गुड मॉर्निंग एवरी वन कंटिन्यूंग नेक्स्ट पॉइंट इंसेंटिव अंडर इनकम टैक्स मैनुफेक्चरिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो वेरियस कंसेशन प्रोवाइड करवाती है इनकम टैक्स में Additional reductions, tax holidays, etc. दे के और करवाई जाती हैं स्टार्टअप को जो न्यू मैनुफेक्चरिंग नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट अंडर फॉरन ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि बूस्ट किया जा सके एक्सपोर्ट्स को ऑफ गुड्स और फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक जो स्कीम है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम उसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एंड फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो स्कीम है दैट इज सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम द नेक्स्ट इज योर स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी एडिशनल इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती हैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए ये इंसेंटिव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एट कंसेशनल रेट फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी ऑन परचेज लीज ऑफ लैंड पावर टैरिफ कंसेशन जो सप्लाई है पावर की वो सब्सिडाइज रेट पर की जाएगी कंसेशनल लोन्स बैकवर्ड एरिया सब्सिडी अलॉटमेंट ऑफ डेवेल्प इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एक्सेट्रा जैसी जो इंसेंटिव है वो स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करवाती हैं ताकि अट्रैक्ट किया जा सके मैन्युफेक्चरिंग यूनिट्स को उनके स्टेट में नेक्स्ट इज फैसिलिटी ऑफ लिबरल फॉरेन कैपिटल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है लिबरल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन कैपिटल को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है ज्यादा सेक्टर्स एरिया एक्टिविटीज को अंडर ऑटोमेटिक रूट सेक्टोरियल जो कैप है जो मिनिमम लिमिट है फॉरन कैपिटल पे उसे रेस किया है जो एरियाज जहाँ पर पहले फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोका जाता था उन्हें ओपन किया गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए और बहुत सारे एरियाज में 100 परसेंट जो एफटीआई है वो अलाउ कर दी गई है फॉर प्रमोटिंग फास्टर ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे सर्टेन हाई टेक्नोलॉजी एरिया जो हैं डिफेंस के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं लाइक हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सिग्नलिंग सिस्टम फ्राइट एंड पैसेंजर टर्मिनल्स लोकोमोटिव्स, कोचेस मैन्युफैक्चरिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेट्रा यहाँ पर हंड्रेड परसेंट एफडीआई को अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है उसका जो फेवरेबल एटीट्यूड है टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वो फैसिलिटेट करता है इनफ्लो फॉरेन कैपिटल का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया में दे नेक्स्ट इज योर स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मार्केट गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेंथन कर रही है बैंक्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एन को कैपिटल मार्केट्स एसेट्रा को ताकि वो ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करवाएं फॉर प्रोमोटिंग देश ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएट कर रही है वेरियस स्कीम्स थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक एंड गवर्नमेंट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन टू प्रायोरिटी सेक्टर कंसेशनल लोन्स स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं क्रेडिट नीड जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की उसे मीट आउट किया जा रहा है मुद्रा बैंक सेटअप किया गया इसके लिए जो पावर है सेबी की उसे इंक्रीज किया गया ताकि चेक किया जा सके कॉपरेट स्कैम्स और फ्रॉड्स को देन नेक्स्ट इज लेबर रिफॉर्म्स इंडिया में लेबर जो लेजिस है वो बहुत ज्यादा रिजिट है जो हॉर्डल uh, क्रिएट करते हैं इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस यूनिट सो ये बहुत डिफिकल्ट है एम्प्लॉयर्स के लिए कि वो इन एफिशियंट स्टाफ को रेटरेंस अगर उन्हें करना है या इनडिसिप्लिन या सरप्लस जो एम्प्लॉयज हैं अगर उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो रेगुलर परमानेंट बेसिस पे हैं, तो के लिए हो जाता है तो नेशंस जो लेबर लॉसिबल है रिसेंट इस में जो गवर्नमेंट है उसने इनिशिएट किए हैं रिफॉर्म्स लेबर लेजिसलेशन में जो फेवर है में है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स की भी श्रम सुविधा जो पोर्टल है लॉन्च किया गया है टू फाइल ऑनलाइन कंप्लायंस विद लेबर लॉज इम्प्लॉयज जो है उन्हें अलॉट किए गए हैं पोर्टेबल और यूनिवर्सली असेसिबल प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर अगर कोई एम्प्लॉई लीव करता है अपने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को और ज्वाइन करता है किसी दूसरे एम्प्लॉयर को तो सेम प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट नंबर है वो सेम रहता है जोन जो गवर्नमेंट है उसने सेटअप किए हैं कुछ कंट्री स्पेसिफिकोन जो डेडिकेटेड जोन है इंडस्ट्रियल फ्रॉम स्पेसिफिक फॉर एग्जाम्पल जो नीम राना जापानीज जोन है वो सेटअप किया गया है जहां पर जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट जापान से आएंगी उन्हें अलाउड है कि वो सेटअप कर सकती है मैन्युफेक्चरिंग प्लांट और ये हेल्प करता है टू अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज देन नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को ज्यादा फंड्स वो एलोकेट कर रही है नेशनल लैबोरेटरीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स को कस्टम ड्यूटीज जो हैं वो एग्जम्प्ट की गई हैं ऑन इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर प्रमोटिंग द यूज ऑफ मॉडर्न फॉरेन टेक्नोलॉजी देन फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट किया गया है मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट का जैसे रोड्स रेलवेज वाटरवेज एयरवेज और उसने फैसिलिटेट किया है मोमेंट रॉ मटीरियल का इंडस्ट्रीज को फिनिश प्रोडक्ट्स का मार्किट्स एंड पोर्ट्स पर और उसकी वजह से जो स्कोप है डिसेंट्रलाइजेशन का इंडस्ट्रीज का वो इंक्रीज हो गया है बहुत ज़्यादा और सेम तरीके से एक्सपेंशन फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन का जैसे टेलीफोन पोस्ट टेलीग्राफ फैक्स मोबाइल फ़ोन ईमेल मेल जो है वो हुई है जिसने एफिशिएंसी जो इंडस्ट्रीज की है उसे इम्प्रूव किया है और ये पॉसिबल है एस्टैब्लिश करना इंडस्ट्रीज बैकवर्ड रीजन्स में कंट्री के जो लेंथ है रेल लाइंस की उसे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया गया है रिसेंट ईयर्स में ट्रेमेंडस ग्रोथ हुआ है एयर ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट में भी नेक्स्ट अदर मेजर्स इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसने वेरियस मेजर्स लिए हैं फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी इंडस्ट्रियल गुड्स की गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है वेरियस इंसेंटिव मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स को फॉर प्रोक्योरिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ्स क्या है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इम्प्रूवमेंट ग्लोबल इमेज में इंडिया की एज अ मैन्युफैक्चरिंग नेशन इंडिया ऑलरेडी इमर्ज हुआ है एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इंडिया से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रैंक करेगा अमंग द टॉप मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर सस्टेन्ड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी वर्क फोर्स सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज में ड्यू टू प्रोमिनेंट साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट देन कॉस्ट ऑफ मैन पावर रिलेटिवली लो है एज कंपेर टू अदर नेशंस ह्यूज डिमांड है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन स्ट्रांग बैंकिंग नेटवर्क है एफिशिएंट कैपिटल मार्केट है जो एम्पल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती है एनआरआई एंड फॉरन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में देन कंडिव पॉलिसी इन्वायमेंट है दैट इज सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो प्रमोट करती है मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूवमेंट है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फैसिलिटेट करता है ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोमिनेंट सेक्टर्स आइडेंटिफाइड फॉर मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने स्पेसिफिक सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जिनके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है इन प्रोमिनेंट सेक्टर्स के ऊपर फॉर बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन इंडिया कुछ जो प्रोमिनेंट सेक्टर्स गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम वो कौन कौन से हैं फर्स्ट है ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल Automobile जो इंडस्ट्री है वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है फोर्टी इन आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेवन परसेंट है उसका ओवरऑल जीडीपी में और वो इम्प्लॉयमेंट देती है अबाउट 19 मिलियन पीपल सेकेंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है फिफ्थ लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है और सिक्स्थ लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का और विदर्जेंस ऑफ लार्ज ऑटोमोबाइल क्लस्टर्स इन द कंट्री और जो एंट्री हो रही है ग्लोबल मेजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स की इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा वर्ल्ड का इन In इंडिया जो डोमेस्टिक डिमांड है टू व्हीलर्स की और कार्स की वो राइज कर रही है क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो एक्सपैंड कर रही है इजी हो पा रहा है फाइनेंस का यंग पॉपुलेशन बेस है है इंक्रीजिंग डिजायर फॉर हायर स्टेटस अमंग तो और ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर एट लो कॉस्ट और इंसेंटिव जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है जो ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो सेटअप कर रही हैं अपने प्रोडक्शन प्लांट्स इंडिया में और ये जो प्रोडक्शन प्लांट्स मैनुफेक्चर करते हैं ऑटोमोबाइल्स वो डोमेस्टिक सेल तो होती ही है इंडिया में इसके अलावा वो चीज़ एक्सपोर्ट भी होती है बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जैसे टोयोटा हुडाई सुजुकी फॉक्स वैगन एक्सेट्रा जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन प्लांट्स इंडिया में सेटअप किए हैं और बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो इंगेज है मैन्युफेक्चरिंग करने में ऑटो कॉम्पोनेंट्स को एंड विद दी ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो ऑटो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करेगी फास्ट पेस से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके पास ग्रेट पोटेंशियल है फॉर मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ दी वर्ल्ड नेक्स्ट जो हमारा है सेक्टर दैट इज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ने भी विटनेस किया है रिमार्केबल ग्रोथ ग्रोथ रिसेंट पास्ट में growth जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हो रही है वो इफेक्टेड uh, होती है बाय द ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर्स आल्सो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमोबल्स पावर स्टील ऑयल एंड गैस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्सट्रा जो ग्रोथ है इन in इंडस्ट्रीज में वो फेवरेबली इफेक्ट करती है ग्रोथ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में इंडिया लार्ज इंडिया के पास लार्ज पूल है टैलेंटेड इंजीनियर्स का और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है इंडिया को इन टर्म्स ऑफ लो लेबर कॉस्ट बेटर टेक्नोलॉजी इनोवेशन एक्सेट्रा जो ग्रोथ है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की वो बहुत सिग्निफिकेंट है फॉर द इकोनॉमी क्योंकि जो ग्रोथ है अदर इंडस्ट्री की वो डिपेंडेंट है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के ऊपर इंडिया ने अलाउ किया है 100% परसेंट एफ सेक्टर में फॉर प्रमोटिंग इट्स फास्टर ग्रोथ इंजीनियरिंग जो गुड्स है प्रोमिनेट एक्सपोर्ट आइटम हैचर गुड्स ऑफ इंडिया इंडियन इंजीनियरिंग जो गुड्स हैं वो डिमांड में है सिर्फ डेवलपिंग नेशंस में ही नहीं बल्कि डिवेल्प नेशंस में भी जैसे यूएस यू ए फ्रांस एक्सेट्रा गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है वेरियस इंसेंटिव इस इंडस्ट्री को फॉर प्रोटिंग है एग्रोकेमिकल्स का और सिक्स लार्जेस्ट मैनुफेक्चर है केमिकल्स का इन जर्नल इंडियन केमिकल इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस करती है सिक्सटीन परसेंट ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ डाई स्टफ एंड डाई इंटरमीडिएट्स फॉर प्रोमोटिंग दी ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट है, है, इंडस, for है वो अलाउ किया गया है अंडर दूट गवर्नमेंट डेवेल्प कर रही है केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन को प्लास्टिक पार्क पलिमर जोन सेक्ट्रा को फॉर दी ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री इंडिया की जो जियोग्राफिक अगर हम लोकेशन देखें वो प्रॉक्सिमिटी में है टू मिडल ईस्ट नेशंस जहां से उसे स्ट्रेंथ मिलती है इस इंडस्ट्री के लिए इन फॉर्म ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स एट लो कॉस्ट फर्दर जो अवेलेबिलिटी है टैलेंटेड वर्कफोर्स की लेबर कॉस्ट की इस इंडस्ट्री की वो कम है टैलेंटेड वर्क फोर्स अवेलेबल है ज्यादा और लेबर कॉस्ट जो है इस इंडस्ट्री की वो कम है और इस वजह से जो कंड्यूसिव गवर्नमेंट पॉलिसी है इसकी वजह से भी जो लोअर इनपुट कॉस्ट और लोअर लेबर कॉस्ट है जो इंडियन केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसका गुड पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ और वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ग्रेटर हाइट्स पर लेके जा सकती है नेक्स्ट है हमारा एरिया टेक्सटाइल इसे हम कॉन्टिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच